Hello all, welcome to session 11 of thermodynamics. In this session, we will solve some numericals on work done at constant pressure, yani work done in irreversible process. Here is our numerical 1. Calculate the amount of work done when 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 5 liter capacity at 2 atmosphere pressure is allowed to enter in an evacuated bulb of 15 liter capacity, and in another case it is allowed to expand from 1 liter to 5 liter against a pressure of 1 atmosphere. अब इसको सॉल्व करने के लिए दो केसेस के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं. हम देखते हैं कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है. सो केस 1, इनिशियल प्रेशर कितना दिया बेटा, 2 एटमॉस्फेयर. इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा, 5 लीटर कैपेसिटी का है भाई, 5 कैपेसिटी उसका 5 लीटर है. देन फाइनल प्रेशर कितना है बेटा, 0, क्योंकि उसने कहा बेटा इवैक्यूएटेड बल्ब. इवैक्यूएटेड बल्ब इसका मतलब क्या बेटा, वो वैक्यूम में प्लेस है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कितना हो गया बेटा, 0 हो गया. अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया तो जाहिर बात है बेटा वर्क डन भी 0 हो जाएगा. क्यों बेटा वर्क डन 0 हो जाएगा, हमको पता है W इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी. Now this P is external pressure which have now become to be 0 into delta V, that will be equals to 0. So work done in case 1 will be equals to 0. अभी case 2 consider करते हैं. Case 2 में initial volume है 1 liter, final volume है 5 liter और external pressure, constant external pressure कितना है बेटा, 1 atmosphere. Therefore at constant pressure work done W will be equals to minus P into delta V, that is equals to minus P into V2 minus V1, that will be equals to minus 1 into 5 minus 1, that will be equals to 4 minus 4 liter atmosphere. If you want to express the answer in joules, हमको एक conversion पता होना चाहिए बेटा. और conversion होता है बेटा 1 liter atmosphere equals to 101.3 joules. सही है बेटा. तो अगर सपोज मुझे इसको जूल्स में एक्सप्रेस करना है तो माइनस 4 इंटू 101.3 जूल्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 405.2 जूल्स. नाउ लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल 2 सेज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपांड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3.039 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम 5 डीएम क्यूब टू 12 डीएम क्यूब एट 300 केल्विन. कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स एंड कैलोरीज. लेट अस राइट डाउन द गिवन डाटा. पहले तो ये समझते हैं कि अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला है. अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला है तो हमको पता है फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं W इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी. तो हमें चाहिए क्या क्या, प्रेशर चाहिए और दो वॉल्यूम्स चाहिए. तो हम देख लेते पहले प्रेशर से वॉल्यूम दिए क्या है ना. हमारा डाटा इस तरीके से है. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया बेटा 3.039 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. V1 दिया है 5 dm क्यूब. V2 दिया है 12 dm क्यूब. अभी हमको वर्क डन चाहिए जूल्स और कैलोरीज में. तो अगर सपोज हम लोगों को वर्क डन जूल्स में चाहिए तो समझ जाइएगा हम लोगों को प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में दिया होना चाहिए और जो वॉल्यूम्स है वो मीटर क्यूब में दिए होने चाहिए. मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, मीटर क्यूब में. और इसीलिए हम लोग इनको वॉल्यूम्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं. हमको पता होना चाहिए कि 1 dm क्यूब इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. और इसीलिए v1 हो गया हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब और v2 हो गया बेटा हमारा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर
W equals to minus P into delta V, where P is the external pressure, और हमें constant external pressure दिया हुआ है, that is equals to minus 3.039 into 10 to the power 5, and delta V is V2 minus V1, तो ये V2 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 is 12 into 10 to the power minus 3 minus 5 into 10 to the power minus 3. So that will be equals to minus 3.039 into 10 to the power 5 into 7 into 10 to the power minus 3. So our final answer hona chahiye minus 2127.3 joules. अब अगर सपोज हमको इसको कन्वर्ट करना है बेटा कैलोरीज में, तो वी नीड टू नो द कन्वर्शन, एंड द कन्वर्शन इज 1 joule इक्वल्स टू 0.239 कैलोरीज. सो देयरफॉर इन कैलोरीज इट विल बी माइनस 2127.3 इनटू 0.239, यानी minus 508.4247 calories, which is nearly equals to minus 508.425 calories. अब हम और एक numerical देखते हैं. A gas expands from 15 dm cube against the constant external pressure of 2 atmosphere by expending 101.3 kilojoules of work. Calculate the final volume of the गैस. इसमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो एक्सटर्नल प्रेशर बोला है. सो एक्सटर्नल प्रेशर बोला है तो W इक्वल्स टू माइनस P इनटू डेल्टा V. इनिशियल वॉल्यूम बोला है 15 dm³, और वर्क डन इतना खर्चा करके, एक्सपेंडिंग का मतलब है खर्चा, 101.3 किलो जूल्स ऑफ वर्क हमको बोला है, फाइनल वॉल्यूम निकालो. तो पहले हम लोग लिखते हैं बेटा गिवन डाटा. सो गिवन डाटा क्या है? अब क्योंकि वर्क जो है वो जूल्स में दिया हुआ है, किलो जूल्स में, और वो माइनस होगा. क्यों माइनस होगा बेटा? इसलिए माइनस होगा क्योंकि एक्सपांड हुआ है सिस्टम. सो दिस इज एक्सपांशन. एक्सपांशन वर्क डन हैज टू बी नेगेटिव, इसलिए माइनस 101.3 किलो जूल्स लिया. अब हमें कुछ कन्वर्शंस करने पड़ेंगे, है ना? तो ये क्या क्या कन्वर्शंस है? सो 1 dm³ इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.3 into 10 to the power 3 newton per meter square, या 1.013 into 10 to the power 5 newton per meter square, 1 kilo joule equals to 10 to the power 3 joules. अब सारा conversions हम लोग कर लेते हैं. So 15 dm³ is 15 into 10 to the power minus 3 meter cube. Okay, 2 atmosphere multiplied by 1.013 into 10 to the power 5, 2.026 into 10 to the power 5 newton per meter square, और माइनस 101300 जूल्स. नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर W इक्वल्स टू माइनस पी इनटू डेल्टा वी, देयरफॉर W इक्वल्स टू माइनस पी इनटू V2 माइनस V1. अब क्योंकि हमको V2 निकालना है, सो वी राइट डाउन V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू माइनस W बाय P. सो V2 विल बी इक्वल टू माइनस W बाय P प्लस V1. देयरफॉर V2 विल बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज, माइनस ऑफ माइनस 101300 डिवाइडेड बाई प्रेशर 2.026 इंटू 10 टू द पावर 5 ऑन V1 प्लस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. This is equals to 500 into 10 to the power minus 3
plus 15 into 10 to the power minus 3. That comes down to be 515 into 10 to the power minus 3 meter cube, or we can write it down as 515 dm cube. Therefore, the final answer is V2 equals to 515 dm cube. For more numericals, log into our website scorefunder.com. Thanks for watching. Let's meet into next session.